नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चित परिचित दोस्त पुष्पराज, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अजमेर के अढ़ाई दिन का झोपड़ा दिखलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग जान के हैरत होंगे कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, इसका नाम अढ़ाई दिन झोपड़ा क्यों पड़ा है। दोस्तों, असली में कुछ लोगों का मानना ये है कि अढ़ाई दिन में बन के तैयार हुआ, इसलिए इस झोपड़े का इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन झोपड़ा पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है कि ये ढाई दिन के लगने वाले मेले के कारण इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी के कहने पर उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों, आप ये जानकर है ना हैरान होंगे कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, बल्कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा नहीं, बल्कि ये एक मस्जिद है, जो कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ढाई दिन में तैयार किया गया हुआ मस्जिद है, जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर के साथ साथ मुस्लिम आर्किटेक्चर एवं विदेशी आर्किटेक्चर को शामिल किया गया हुआ है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा रहा हमारा वीडियो, आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो में जो भी कमियां रह गई हो उसको हम और अच्छे सुधारें। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें और ऑल वीडियो पे नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें।